Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Shiny, and welcome back to hashtag Eat Special series. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माई Amazon ईद शॉपिंग हॉल. Amazon से मैंने कुछ स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदे हैं स्पेशली फॉर ईद, और अभी भी ईद में टाइम है तो मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स रिलीजियसली अगर हर रोज इस्तेमाल करूंगी तो डेफिनेटली ईद तक मेरी स्किन पर तो एक अलग सा ग्लो, एक अलग सा निखार जरूर आएगा. देन डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो हर प्रोडक्ट की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है. इंडिविजुअल लिंक्स भी है और एक माई हॉल स्टोर का लिंक भी है जहां पर क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ चेकआउट कर सकते हैं, और कुछ भी प्रोडक्ट अगर पसंद आए तो आप उन्हें इंडिविजुअली परचेस भी कर सकते हैं. सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स. पहला जो है वो एक सीरम है. ये सीरम है फ्रॉम द ब्रांड जेन एंड माइजा. ये जैप दैट जिट उनके रेंज का है. दिस इज टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम. और इस फेस सीरम को मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था. आई लव्ड दिस फेस सीरम. और अभी इस रमज़ान के महीने में खाना पीना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है, यू नो, रोज़ा रख के खाना हम लोग ठीक से नहीं खा पाते हैं, थोड़ा सा ऑयली फूड भी हम लोग खा लेते हैं, विच इज़ वाई स्किन पर ब्रेकआउट्स होने के चांसेस हो सकते हैं. इसीलिए मैंने इसे खरीद लिया, क्योंकि इसे अप्लाई करने से ना आपके स्किन में जो भी पिंपल्स एंड ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम्स होती है वो ओवरनाइट ही काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है. और लगातार ऑन अ रेगुलर बेसिस इफ़ यू यूज़ दिस देन जो ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम है वो नहीं भी होती है. इट कीप्स योर स्किन वेरी क्लीन एंड फ्रेश, विच इज़ वाई आई थॉट ऑफ यूजिंग दिस एंटायर रमज़ान मंथ. तो इसी वजह से मैंने इसे ऑर्डर किया है एंड मैं इसे अभी इस्तेमाल करना मैंने स्टार्ट भी किया है. सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं इफ़ योर स्किन इज़ वेरी मच प्रॉन और वेरी मच सेंसिटिव टू यू नो एक्नी एंड ब्रेकआउट्स. तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं. दिस इज़ हलाल सर्टिफाइड बाय द वे. उनके प्रोडक्ट्स मैंने कई सारे ट्राई किए हैं फ्रॉम जैन एंड माइजा एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर हलाल सर्टिफाइड, क्रुएल्टी फ्री भी होते हैं. सो आई लव यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड मेरी स्किन पर अच्छे से सूट भी करता है. समर सीजन एंड टोनर्स गो वेरी वेल विथ ईच अदर. तो मैंने इस बार दो टोनर्स को ट्राई किया है. एक है इस कुकुम्बर टोनर विच इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स का. ये कुकुम्बर टोनर मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ और ये एल्प्स गुडनेस का रोज टोनर है. मुझे रोज टोनर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है. एंड इस समर सीजन में मुझे आजकल बहुत ही ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है घर के कामों के लिए या फिर मेरे ऑफिस वर्क के लिए, तो इसीलिए मुझे टैनिंग भी फेस करना पड़ रहा है आजकल, विच इज़ वाई आई हैव बॉट दिस वन. ये कुकुम्बर टोनर है. कुकुम्बर हमारे स्किन को यू नो टोन डाउन करने में काफ़ी अच्छा है, टैनिंग को रिमूव करने के लिए अच्छा है तो, और रिफ्रेशिंग भी है. सो मैंने ये वाला कुकुम्बर वाला लिया है. ये थोड़ा सा कॉस्टली था एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये 100 ml का है और ये 200 ml का है. इसका प्राइस इस गुड वाइब से कम था. सो आप चाहते हैं तो एल्प्स गुडनेस के टोनर्स भी ट्राई कर सकते हैं. इस एल्प्स गुडनेस के मैंने कुकुम्बर टोनर ट्राई किया था पहले, ग्रीन टी टोनर भी ट्राई किया था, बट गुड वाइब्स का नहीं ट्राई किया था. सो इसीलिए मैंने इस बार गुड वाइब्स का ये वाला ट्राई किया ताकि मैं आप लोगों के साथ मेरे शॉर्ट रिव्यू सेगमेंट में इसका एक अलग से रिव्यू वीडियो भी शेयर कर सकूँ. सो या अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई विल से डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस एल्प्स गुडनेस टोनर्स, क्योंकि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोनर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल भी और इफेक्टिव भी होते हैं. नेक्स्ट आई हैव ट्राइड दिस सनस्क्रीन. इस सनस्क्रीन के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो में शेयर भी किया था, बट ये मैंने रमज़ान महीने के लिए स्पेशली बिफोर ईद मैं अपने स्किन को थोड़ा सा पैम्पर करना चाहती थी, उसीलिए मैंने इसे ट्राई किया था. एंड ये लोटस बोटैनिकल्स का विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग मैट फ्लूइड सनस्क्रीन है. ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट मी दिस इज़ एन अमेजिंग सनस्क्रीन. और इसमें हल्का सा टिंट भी है तो स्किन को काफ़ी अच्छी तरीके से एक ग्लो भी ऐड करता है और इवन आउट भी करता है आपके स्किन को. सो अगर आप कोई अच्छा सा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं फॉर ऑल स्किन टाइप्स तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इसे अप्लाई करने से पहले एक मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करती हूँ, बट इफ योर स्किन इज ऑयली देन यू कैन कंप्लीटली अप्लाई दिस सनस्क्रीन ओनली एंड स्टेप आउट ऑफ योर होम. दिस इज एन अमेजिंग सनस्क्रीन. इसमें
PA50 का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा विद PA++। नेक्स्ट मेरे पास कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स है। ईद के लिए मैंने कुछ लिपस्टिक्स को इस बार ट्राई किया है फ्रॉम Amazon। ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लिपस्टिक। इसमें जो मेरा शेड है वो है डिवाइन, विच इज शेड नंबर 19, एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल फेस्टिव काइंड ऑफ शेड, और ये एकदम डार्क वाइन कलर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इससे वेयर किया था एंड आप में से कई लोगों ने पूछा था मुझसे इसका कौन सा शेड आपने अप्लाई किया है। सो द लिप शेड इज 19 डिवाइन एंड जो लिपस्टिक है वो है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मैट लिक्विड लिपस्टिक्स। इन इस रेंज के मैंने कई सारे लिपस्टिक्स को ट्राई किया है, कई सारे शेड्स को ट्राई किया है एंड आई लव यूजिंग इनसाइड लिपस्टिक्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैट एंड लिप्स को ड्राई भी नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना हद तक तो ड्राई नहीं करता। एंड यू ऑल कैन सी द शेड इज सो प्रिटी एंड इट्स इज परफेक्ट फेस्टिव शेड। तो मैं डेफिनेटली ईद के दिन सोच रही थी कि इस शेड को मैं अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैंने ना एक डार्क शेड अप्लाई किया था एंड एक न्यूड शेड, बट दिस न्यूड शेड इज नॉट एट ऑल गुड फॉर माय स्किन टोन, क्योंकि ये आई थिंक ये ना थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए है, किसी भी डार्क शेड को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए ये शेड होगा, क्योंकि ये फेयर स्किन टोन के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, ये एकदम स्किन को वॉश ऑफ कर रहा है। द शेड नेम इज बियरली न्यूड एंड ये एकदम न्यूड कलर है। इसमें जो पैकेजिंग में आप लोग देख सकते हैं ना, थोड़ा सा ब्राउनिश काइंड ऑफ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी सोचा था कि ये थोड़ा सा ब्राउनिश काइंड ऑफ होगा, बट ये एकदम न्यूड शेड है विच इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड ऑन एनी स्किन टोन। मतलब मेरे घर में मैंने सभी के ऊपर ये वाला ट्राई किया है, किसी के स्किन टोन पर भी ये अच्छा नहीं जा रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ यू नो टू कूल डाउन योर डार्क लिप शेड्स। तो मैं कभी भी अगर डार्क लिप शेड अप्लाई करती हूँ तो मैं उसे टोन डाउन करने के लिए इस लिप शेड को इस्तेमाल करती हूँ। इट वर्क्स परफेक्टली फाइन इन दैट वे। पिछले वीडियो में मैंने अपने मार्च मंथली एम्प्टीज वीडियो में शेयर किया था कि मेरे जो मेबेलिन का पाउच फाउंडेशन था वो खत्म हो चुका था। मेरे पास और भी कई सारे शेड्स है मेबेलिन पाउच फाउंडेशन की, बट वो शेड मेरे स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया था 128 वार्म न्यूड का, बट ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है। बट अभी समर सीजन में मुझे टैनिंग की प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा, तो स्किन टोन थोड़ा सा डार्कर हो ही जाएगा, तो उस टाइम के लिए ये परफेक्ट रहेगा। ये एकदम फुल साइज में है, तो मेरे शूटिंग के लिए तो मुझे मेकअप करना ही पड़ता है, तो ये फुल साइज फाउंडेशन देखते हैं कि कितने दिनों तक चलता है। ऑल दो ये कई सालों तक चल जाता है अगर हम लोग जनरली रेगुलर बेसिस पर मेकअप नहीं करते, और मैं फाउंडेशन उतना ज़्यादा नहीं अप्लाई करती। अगर मुझे चाहिए होता है तो मैं कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ। सो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं फाउंडेशन ही अप्लाई करूँगी, क्योंकि फाउंडेशन आर वेरी लाइट ऑन योर स्किन, कंसीलर थोड़ा सा हेवी होता है आपके स्किन में, और समर सीजन में कुछ लाइटर पसंद है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्वेट करती हूँ और स्वेट के कारण ना पूरा मेकअप निकल जाता है। बट मैं जनरली अगर बाहर जाती हूँ तो मेकअप नहीं करती, लेकिन शूटिंग के लिए मेरे न्यूज़ रीडिंग के लिए तो मुझे मेकअप करना ही पड़ता है, तो इसीलिए मैंने इस बार ये वाला ट्राई किया है। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑर्डर करूँगी डेफिनेटली मैं एक शेड लाइटर ज़रूर अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये अभी मेरे स्किन टोन के लिए काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुका है। मार्च मंथली एम्प्टीज वीडियो में मैंने अपने इनसाइड कॉस्मेटिक्स का जो मेकअप फिक्सर है उसका भी शेयर किया था आप लोगों के साथ कि वो पूरा खत्म हो चुका है। सो इसीलिए आई हैव बॉट दिस वन। ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है। ऑलरेडी मेरे पास एक है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, दो है अभी मेरे पास, मैंने ऑलरेडी रीस्टॉक कर लिया इसे, क्योंकि मैं जब चेक करी थी ना तो उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में बचा था मेकअप फिक्सर, और मेकअप फिक्सर अभी समर सीजन में इट्स अ मस्ट हैव स्पेशली फॉर मी, क्योंकि मेरी स्किन में बहुत ही ज़्यादा स्वेट का प्रॉब्लम है फेस करती हूँ, और जब हम लोग शूट करते हैं ना तब एसी ऑफ रहता है, फैन ऑफ रहता है, तो और भी ज्यादा गर्मी होना स्टार्ट हो जाता है एंड मेकअप मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो अब मेकअप फिक्सर, अ गुड मेकअप फिक्सर इज अ मस्ट हैव फॉर मी। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। ये था मेरा ईद स्किन केयर एंड मेकअप शॉपिंग हॉल फ्रॉम Amazon, क्योंकि Amazon पे मुझे बहुत अच्छे डील्स मिल जाते हैं। वीडियो पसंद आए डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, रमजान मुबारक एंड बाय।